नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बिहार के विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप कुलाधिपति पर लगाते हुए अब ये शख्स प्रतिनिधियों के दरवाजे पर पहुंचने लगे हैं। कल गांधी जी से आशीर्वाद लेकर भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिए आलोक राज सबूत के साथ पहुंचे पूर्णिया सांसद के घर, जहां विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर महामहिम के खिलाफ सबूत सौंप कर सदन में आवाज उठाने की मांग की है। गांधी जी से आशीर्वाद लेकर निकले आलोक राज ने पहली कड़ी में पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के दरवाजे पर पहुंचकर कुलाधिपति के खिलाफ सबूत पेश किया है। आलोक ने अनोखे अंदाज में भ्रष्टाचार का जर राज्यपाल को ही बता डाला। उनके जिस्म पर शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार के दर्जनों बिंदु लिखे हुए पोस्टर थे, जिसमें कुलाधिपति पर लगे आरोप के साथ साथ सबूत का दावा भी किया गया। आलोक राज ने कहा कि वो जन प्रतिनिधियों के दरवाजे तक इसी लिबास में जाएंगे, चाहे वो पूर्णिया के हों या फिर राजधानी के। इसी कड़ी में शुरुआत आज पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा के दरवाजे से की है। सांसद ने सदन में मामले को उठाए जाने का भरोसा दिलाया है। आलोक ने बिहार भर में विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार का जर कुलाधिपति को बताया है, जिसे बिहार के महामहिम राज्यपाल के तौर पर जाना जाता है। आलोक का आरोप है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार की जड़ महामहिम ही है। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़, की बात आपके साथ। बताया जब सांसद के आवास में पहुंचे हैं। कल से मैंने पूर्णिया कॉलेज अवस्थित महात्मा गांधी जी के स्मृति स्थल से कार्यक्रम का शुरुआत किया और वहां जाकर मैंने महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और कल से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ा, जिस मुहिम में हम बिहार के सभी जनप्रतिनिधि के दरवाजे जाएंगे और जो भ्रष्टाचार उच्च शिक्षा में हो रहा है उसकी सबूत जो है जनप्रतिनिधि को सौंपेंगे और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाएंगे कि आपका कर्तव्य है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी बातों को आप अपने स्तर से सदन के पटल पर रखें। और आज से मेरा कार्यक्रम कल से ही जारी है। आज पहली कड़ी में मैंने पूर्णिया के सांसद आदरणीय संतोष कुशवाहा जी से मुलाकात किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस मुद्दे को रखूंगा और जब तक यह मुद्दा प्रधानमंत्री के कानों में नहीं चले जाता और बिहार के इस भ्रष्टाचारी कुलाधिपति को नहीं हटाया जाता, तब तक मैं इसी वस्त्र में रहूंगा, कहीं भी जाऊंगा इसी वस्त्र में जाऊंगा और भ्रष्टाचार से उच्च शिक्षा को और शिक्षा व्यवस्था के बिहार में जो भ्रष्टाचार है इसको भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराकर ही दम लूंगा।